सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन फुटबॉल के आने वाले टूर्नामेंट मर्डेका कप के बारे में। जी हां भाइयों, आप सभी लोग जानते होंगे इंडिया टीम आउट हो चुकी है एशियन गेम्स में राउंड ऑफ 16 में सऊदी अरेबिया से 2-0 की लॉस लेने के बाद। बट द नेक्स्ट टारगेट इज मर्डेका कप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हमारे लगातार एशियन कप और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रूव कर सकती है टीम को एट अ हाईएस्ट लेवल पर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइनअप की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रोबेबल स्क्वाड जाने वाली है मर्डेका कप में, जिसमें होने वाले पलेस्तीन, मलेशिया और तजाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीमें। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें होने वाले हैं धीरज सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, और उसी के साथ साथ हमारे डिफेंस में होने वाले हैं अनवर अली, संदेश चिंगन, लाल चुंगा, आकाश मिश्रा जैसे मैन स्टॉपर होने वाले हैं। इसी के साथ हमारे मिडफील्ड में होने वाले सुरेश सिंह वांगजाम, जैक्सन सिंह, ब्रेंडन फर्नांडेज, अनिरुद्ध थापा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होने वाले, और हमारी अटैकिंग फोर्स में होने वाले सुनील छेत्री, उसी के साथ होने वाले हमारे मनवीर सिंह, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकते हैं मर्डेका कप में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले इंडियन टीम के लिए मर्डेका कप के सारे मैचेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है मलेशिया और पलेस्तीन, बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी टीमें हैं। साथ ही साथ इंडिया टीम को अपने परफॉर्मेंस को हाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रैंक 102 हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार बात है इंडियन फुटबॉल के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की वी आर कॉन्फिडेंट, आई और एस्टिमेट भी कॉन्फिडेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेंगे और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे इंडियन फुटबॉल की। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका क्या व्यू है इस टूर्नामेंट में, इस लाइनअप के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनअप होने वाली है स्क्वाड टूर्नामेंट के लिए।